पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला था। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, 0 रन पर पहला विकेट, उसके बाद 31 पर दूसरा, 45 पे तीसरा, 47 पे चौथा, 47 रन पर 4 विकेट गवा दिए। मतलब पाकिस्तान एक बार फिर नई गेंद से कहर बरपाया, जिसमें साइंस आफरीदी हो फिर या हारिस श्रॉफ काफी अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन उसके बाद 47 रन पर 4 विकेट गवाने के बाद 147 रन पर 5वां विकेट गवाती है बांग्लादेश क्रिकेट टीम। यानी आज जो पार्टनरशिप है वो मुश्फिकुर रहीम और देखने को मिली शकीब अल हसन के बीच में, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती हुई नजर आई और महज 194 रन पर ही वो ऑल आउट हो गए। महज 39वें ओवर के अंदर ही पाकिस्तान की तरफ से सर्वाधिक विकेट हारिस श्रॉफ ने चटकाए, जिन्होंने 6 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शुरुआत तो ठीक ठाक रही, लेकिन पाकिस्तान को 35 रन पर पहला झटका फकर जमन के रूप में लगता है 10 ओवर के अंदर अंदर। उसके बाद 74 रन पर दूसरा विकेट बाबर आजम, जिन्होंने 22 बॉल पर 17 रन की पारी खेली। इसके बाद कहने के लगा कि मुकाबला शायद दब जाएगा, लेकिन फिर देखने को मिला इमाम उलग की अच्छी बल्लेबाजी और मोहम्मद रिजवान की भी। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप करी। इमाम ने अपने 78 रन पूरे किए, लेकिन उसके बाद वो आउट हो जाते हैं और पाकिस्तान 159 रन पर तीसरा विकेट गवा देती है। लेकिन उसके बाद आए आगा सलमान ने और मोहम्मद रिजवान ने इस पारी को अंजाम दिया और 194 रन 3 विकेट 39वें ओवर में ही बना लिए। मतलब 11 ओवर शेष रहते हुए तो फिर आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल में उन्हें कितना बड़ा फायदा हुआ, जिसने टीम इंडिया के लिए भी कुछ हद तक मुश्किलें बढ़ाई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सुपर फोर की पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो चौथे पायदान पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला, एक ही हारा है और -1.051 उनकी नेट रन रेट है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मार्जिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम को जो है माइनस में मिल गया है। लेकिन उसके बाद बात करें श्रीलंका, तो तीसरे पायदान पर है, टीम इंडिया दूसरे पायदान पर है। इन दोनों ने अभी तक कोई मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन पाकिस्तान पहले पायदान पर है, एक मुकाबला खेला, एक भी जीता, 2 पॉइंट्स के साथ में, और नेट रन रेट इतनी अच्छी है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हार भी गया सुपर फोर में 10 सितंबर को, तो वो श्रीलंका को हरा कर कहीं ना कहीं नेट रन रेट की वजह से क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए दिक्कत यह है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान के सुपर फोर में किसकी टीम किसकी जीत